ई कंटेंट वीडियो की क्लास में आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र। पिछले टर्न पर हम लोगों ने इकोलॉजी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था। इकोलॉजी होती क्या है, इकोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, किन वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी का नाम दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था रीटर और हिकल के बारे में। सर्वमान्य जो बात निकल कर हमारे सामने आई थी कि 1868 में हिकल ने उसको वर्ड यूज किया था और 69 में सबसे पहले उसको डिफाइन करने का प्रयास किया था। इकोलॉजी का मतलब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्राणियों का वातावरण के साथ क्या संपर्क होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। उसके पश्चात हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि इकोलॉजी हम लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्कोप क्या होते हैं, ब्रांचेज कौन सी होती है, जिसमें मुख्य रूप से मैंने ब्रांचेज के बारे में आप लोगों को बताया था, ओट इकोलॉजी के बारे में और सिन इकोलॉजी के बारे में। ओट इकोलॉजी से हमारा तात्पर्य था किसी सिंगल, अगर अपन पारिस्थितिकी जानना चाहता है तो उसको हम ओट इकोलॉजी कहते हैं, जिसको हम स्वयं पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। और सिन इकोलॉजी से मतलब हमारा ये था एक से ज़्यादा प्राणियों के मध्य, जिसमें हमने उसको पॉपुलेशन का नाम दिया था, कम्युनिटी का नाम हमने दिया था, हमने बायोम का नाम दिया था, हमने लास्ट में इकोसिस्टम का नाम दिया था। तो जो लास्ट में जो शब्द हमारे सामने निकल के आया था वो था हमारा इकोसिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स, इकोलॉजी से बना है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आखिर होता क्या है और किस प्रकार से ये प्रकृति में ऑपरेट करता है, किस प्रकार से चलता है, उसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जब भी हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी की बात आएगी, वहाँ पर इकोसिस्टम है वो जरूर आएगा, क्योंकि इकोसिस्टम के बिना इकोलॉजी है वो होती नहीं है। इकोलॉजी है वो बिल्कुल आइसोलेटेड होकर नहीं चल सकती, वो एक तंत्र के रूप में चलती है, एक सिस्टम के रूप में चलती है। तो हम लोगों को इकोसिस्टम पढ़ना अनिवार्य होता है। कहने को तो हम कहते हैं कि साहब ये टेंसले ने इसकी परिभाषा दी थी 1935 में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब से ये पृथ्वी बनी है तब से इकोसिस्टम है, वो हमारी पृथ्वी पर है, वो काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। भले ही पुराने लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिए हो, परिभाषाएँ अलग अलग दी हो, लेकिन एक जो हमारे लिटरेचर में और हमारे शब्दों के अंदर बोटनी के लैंग्वेज में जो परिभाषा निकल कर हमारे सामने आई थी, वो टेंसले ने 1935 के अंदर एक परिभाषा दी थी। समझने का प्रयास करते हैं इकोसिस्टम आखिर क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछले टर्न पर आप लोगों को बताया था, एनर्जी का एकमात्र सोर्स जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य से आने वाली एनर्जी से हम लोग है वो अपना काम चलाते हैं। सूर्य से आने वाली 100% एनर्जी जो सूर्य से चलती है, उसका केवल 1% पार्ट है, उसके सहारे पूरी मानव सृष्टि है वो जीवित रहती है, जिसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें प्लांट्स भी शामिल हो जाते हैं। 90% एनर्जी है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर वह ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। 1% एनर्जी कैसे काम करती है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। सूर्य से जो एनर्जी चल रही है उसको हमारे जो हरे पादप है, ग्रीन प्लांट्स है, वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जो एनर्जी चली है वो यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी के रूप में चली है, और पौधों में आकर ये केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, जिससे भोजन बनता है। भोजन कैसे बनता है ये एक अलग प्रक्रिया होती है, जिसको हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करते हैं। एनर्जी रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपके इस प्लांट के अंदर स्टोर हो गई है, और जब हम लोग इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो कहने का मतलब भोजन का जो दूसरा नाम है वो ऊर्जा है, एनर्जी है। भोजन के माध्यम से एनर्जी है वो हमारे अंदर आती है, और हमारे अंदर आने के पश्चात फिर वो दो रूप में बदल जाती है। एक वो जो ऊर्जा होती है जिसमें हम लोग अपना काम करते हैं, जिसको हम काइनेटिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और एक ऊर्जा वो होती है जो हमारे अंदर स्टोर्ड हो जाती है, संचयित हो जाती है, जो ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों को काम आती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, फिर वही बात आती है, परिभाषा क्या हुई। यहाँ पर दो चीज़ें काम कर रही है, एक जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी आकर पौधों में स्टोर हो रही है और भोजन बनाने का काम कर रही है। दूसरी, जमीन के माध्यम से जो ये प्लांट है वो पानी का एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब पानी के साथ साथ में मिट्टी के अंदर जो उपलब्ध मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, वो पानी के साथ में पौधों के अंदर जाता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। तो मिनरल्स प्लस एनर्जी, ये दोनों चीज़ें मिलकर भोजन का निर्माण करती है।
और उसके बाद में जो भोजन बनता है उसके ऊपर हम लोग सारे के सारे निर्भर है वो रहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक ऊर्जा के बारे में, एक खनिज लवणों के बारे में। दो चीज़ों का जो वे है, चलने का जो मार्ग है, वो अलग अलग होता है। ऊर्जा एक बार काम आने के पश्चात जिसको हम यूज कर लेते हैं उसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब उसका जो संचालन है, उसका जो रास्ता है, उसका जो वे है, वो केवल वन वे होता है, दोबारा से उसको हम काम में नहीं ला सकते। जबकि जो खनिज लवण है या जो मिनरल्स हैं जो जमीन से लिए जाते हैं, उनको बार 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 हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो भोजन बना है वो पौधे ने यूज किया, प्राणियों ने यूज किया। पौधे की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फल है, वो टूटकर जमीन पर गिरते हैं और गिरने के पश्चात उनके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया लगकर उसको वापस जमीन में मिला देते हैं। हम लोगों ने अगर भोजन यूज किया है तो हमारा भी डेथ एंड डीके होता है, प्लस जो वेस्ट मटेरियल हम लोग डिस्कार्ड करते रहते हैं उसके माध्यम से वो खनिज लवण है वो वापस जमीन में चले जाते हैं और जमीन में चलने के पश्चात प्लांट उसको वापस रीयूज कर सकता है। तो दो चीज़ें निकलकर हमारे सामने आई है, एक तो जैसा कि मैंने आपसे कहा एनर्जी के बारे में और दूसरा मैंने कहा खनिज लवणों के बारे में। तो एनर्जी का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा कि केवल एक दफ़ा हम उसको काम में ला सकते हैं, दोबारा से हम उसको काम में नहीं ला सकते। तो उसका जो वो है वे है वो वन वे है। और जो मिनरल्स है ये एक चक्र के रूप में काम करता है, जमीन से पौधों में, हमारे अंदर वापस जमीन में, जमीन से वापस पौधे, पौधों से जमीन में, पौधों से हमने जो भोजन खाया है उससे वापस जमीन में। इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जिसको मैंने एनर्जी और खनिज लवणों का नाम दिया है, जो परिभाषा बनकर हमारे सामने आएगी उसको हम इकोसिस्टम की का नाम देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, एक बात आई है फ्लो ऑफ एनर्जी और दूसरी चीज जो निकल कर हमारे सामने आई है वो है साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। इन दोनों को हम मिला देंगे तो वो परिभाषा बन जाएगी हमारे इकोसिस्टम की। तो आधी परिभाषा वही होगी जो पिछले क्लास में मैंने आपको इकोलॉजी की बताई है और उस परिभाषा के आगे इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देंगे तो वो इकोसिस्टम की परिभाषा बन जाएगी। पिछले क्लास में इकोलॉजी की जो परिभाषा थी वो मैंने बताई थी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, या हम इसको कह सकते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, वातावरण का प्राणियों के साथ संबंध, अंतर संबंध, या प्राणियों के वातावरण के साथ अंतर संबंध। और इस अंतर संबंध में क्या होता है, ये दो काम होते हैं, मिला लीजिए इसको, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस। दोनों को हमने मिला दिया है और दोनों को मिलाने से जो परिभाषा हमारी बनी है वो आ गई हमारी इकोसिस्टम। हमेशा से हमें एक बात ध्यान रखनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, एनर्जी को एक बार यूज करने के बाद रीयूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका जो वे होता है वो वन वे होता है। और जो मिनरल्स हैं इनको बार बार हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको जो शब्द यूज किया है वो साइक्लिंग शब्द है वो हमने यूज किया है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटर रिलेशनशिप या इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इन विच फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस। और दोनों को मिलाकर जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और ये परिभाषा सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दी थी उसका नाम था टेंसले 1935 के अंदर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है साइज ऑफ इकोसिस्टम, पिछले टर्न पर भी हम लोग बात कर रहे थे, इकोसिस्टम का जो साइज है वो पानी की छोटी सी बूंद से लेकर पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। एक छोटी सी बूंद पानी की होती है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर हवा भी है और उसके अंदर ग्रीन प्लांट जैसे कि एल्गी हो सकती है। एल्गी का सबसे छोटा से छोटा जो मेंबर होता है, जो एक कोशिकीय होता है, जिसको हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अपने आप में ग्रीन प्लांट हो गया। और उस छोटे से पानी की बूंद में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स भी हो गए, बैक्टीरिया भी हो गया, फिजिकल फैक्टर भी उसके चारों तरफ काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी जो बूंद है वो अपने आप में इकोसिस्टम है। इसके अलावा हम लोग घरों में देखते हैं एक्वेरियम के बारे में, एक्वेरियम एक पानी का बना, एक छोटा सा ग्लास का बना हुआ चैम्बर होता है, उसमें हम लोग पानी डाल के रखते हैं और उस पानी के अंदर हम ग्रीन प्लांट्स भी डाल देते हैं जैसे हाइड्रिला और दूसरे प्लांट्स, प्लस उसके अंदर हम फिशेज भी डाल देते हैं। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम के रूप में काम करता है और पूरी दुनिया अपने आप में इकोसिस्टम है ही।
तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जैसा मैंने कहा, साइज ऑफ इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है, छोटी सी बूंद से लेकर पूरी दुनिया है वो उसके अंदर हो सकती है। इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक बात है हमारी संरचना के बारे में और एक बात है हमारे कार्यों के बारे में। संरचना का मतलब, जैसा कि बार बार हम बात कर रहे हैं, इसमें प्राणी भी शामिल है, इसके अंदर फिजिकल फैक्टर भी शामिल है, इसके अंदर प्लांट्स भी शामिल है। इनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। ये जो चीज़ें हुई मिलके, इनको तो हम संरचना के बारे में करेंगे, और जो फंक्शन होगा, फंक्शन आपके सामने है, एनर्जी का प्रवाह है प्लस मिनरल्स की साइकिलिंग जो चल रही है, इन दोनों को जो हम बात करेंगे ये फंक्शन होगा। तो दो हेडिंग्स में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा हमारा एबायोटिक और एक होगा बायोटिक। एबायोटिक का मतलब हमारा ये होता है नॉन लिविंग से मतलब, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नॉन लिविंग से मतलब हमारा ये होता है हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिसके चार बहुत सारे घटक है, जो पिछले टर्न में हम लोग बात कर रहे थे उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और बायोटिक के अंदर हम लोग अपने बारे में, प्राणियों के बारे में प्लस पौधों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों को मिला के ही हम एक संयुक्त या कंबाइंड शब्द है वो ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं। तो हम चलते हैं पहले एबायोटिक की तरफ, जो नॉन लिविंग है। हम अपने आप को नॉन लिविंग से अलग नहीं कर सकते, हमारा सर्वाइवल नहीं है नॉन लिविंग के बिना। हम कह सकते हैं कि अब हम वातावरण के बिना हमारा सर्वाइवल हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हवा के बिना हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पानी के बिना हो सकता है? बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसी के बिना भी हमारा सर्वाइवल है वो संभव नहीं हो पाता है। और एबायोटिक कितने भागों में डिवाइड करते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो एबायोटिक को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक, नंबर टू ऑर्गेनिक और नंबर तीन क्लाइमेटिक। तीनों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और तीनों को मिला के एक शब्द आपके सामने आज निकल कर आया है, एबायोटिक, अजैविक घटक। और अजैविक में पहला है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से मतलब, सिंपल सा मतलब हमारा ये होता है, जितने भी तत्व हैं जो अपने स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे अलग अलग हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है हरे पौधे के अंदर, इन सब के बिना ये काम है वो संभव नहीं हो सकता है। तो जो इनऑर्गेनिक, जो खनिज पदार्थ या जो तत्व है, ये 40 प्रकार के तत्व होते हैं जो इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। कौन सा प्रोसेस? भोजन बनाने का प्रोसेस। भोजन का मतलब जिसमें एनर्जी आकर फिक्स होती है, तो जो एनर्जी आकर फिक्स होती है इसमें 40 प्रकार के तत्व हैं वो शामिल होते हैं, और 40 प्रकार के तत्व मिलकर भोजन बनाने की क्रिया को संपादित करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन 40 में से 9 तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं, जिनका होना मस्ट होता है, जिनके बिना प्रोसेस है वो आगे नहीं चल पाती है। और 9 तत्वों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि बहुत सिंपल है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसके बिना ये काम नहीं चल सकता। नंबर दो पे आता है NKP, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। और तीसरी लाइन के अंदर जब हम देखेंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये 9 एलिमेंट्स आपके सामने हैं, इन 9 के बिना कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर सकती है। यहां पर आने से पहले एक बात हमें और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपसे कहा कि 40 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, 40 में से कुछ होते हैं मैक्रो और कुछ होते हैं माइक्रो। मैक्रो का मतलब जिनकी जरूरत प्लांट को ज्यादा पड़ती है, और माइक्रो का मतलब जिनकी जरूरत कम पड़ती है। कम पड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनके एब्सेंट होने पर काम हो जाएगा, भले ही उनकी जरूरत कम पड़ती है लेकिन उनका होना एसेंशियल है, उनका होना मस्ट है, उनके एब्सेंस में प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए किसी की भी इम्पोर्टेंस को हम कम करकर नहीं दे सकते। तो 40 में से जो मैंने कहा मैक्रो के अंदर ये 9 जो एनिमल्स हैं ये बहुत एसेंशियल है, इनका होना बहुत जरूरी है। और जहां तक हम माइक्रो की बात करेंगे, जैसे हम फेरिक के नाम ले सकते हैं, जिंक का नाम ले सकते हैं, मैग्नीज का नाम ले सकते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी, बोरोन का नाम हम ले सकते हैं, जिनकी जरूरत कम पड़ती है लेकिन होना बहुत जरूरी है, इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स,
पहला जो एबायोटिक में था इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक के अंदर पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई 40 एलिमेंट्स होने चाहिए, 40 में से 9 मैक्रो एसेंशियल है और बाकी मैंने माइक्रो के बारे में बताया। ये स्वतंत्र रूप से होते हैं और मिट्टी के माध्यम से पानी के द्वारा ये पौधे के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर ये भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें ये शामिल होते हैं। उसके बाद में हम सेकेंड कैटेगरी पर आते हैं जिसका नाम हम देते हैं ऑर्गेनिक या कार्बनिक। यहाँ पर ये जटिल रूप में आ जाते हैं, जो मिनरल स्वतंत्र रूप से थे यहाँ पर आके ये कंबाइंड हो जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, नंबर वन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल वे में दूसरे शब्दों में पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है और तीसरा आप फैट के रूप में ले सकते हैं। हमारे अंदर जो भोजन बनता है बहुत सिंपल से रूप में हम कहते हैं साहब C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसमें सी भी है, इसमें एच भी है, इसमें ओ भी है। और यही बात अगर हम प्रोटीन के सेंस में जाएंगे तो इसमें एच, एन और दूसरी चीज़ें इसमें शामिल होती चली जाएगी। और यही बात जब हम फैट के रूप में आएंगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनकर हमारे सामने आ जाती है, तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं होकर एक कंबाइंड और जटिल संरचना के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, इनको हम कार्बनिक के रूप में नाम देते हैं। तो दो प्रोसेस है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, नंबर वन इनऑर्गेनिक और नंबर टू ऑर्गेनिक। अब हम आते हैं तीसरी प्रक्रिया के ऊपर जिनके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता, और वो है हमारा क्लाइमेटिक। क्या हम क्लाइमेट को अपने आप से अलग कर सकते हैं? कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता हूँ। क्या वो व्यक्ति एक बंद कमरे में बंद अपने आप को क्लोज करके बंद करके वो सर्वाइवल उसका हो सकता है? उस कमरे में बिल्कुल से हवा नहीं है, उस कमरे में बिल्कुल से पानी नहीं है, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितने दिनों तक वो सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर उसको जिंदा रहना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और क्लाइमेटिक का मतलब जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, सूर्य से आने वाली जो हीट है, लाइट है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये होता है बरसात आने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात आती है, बरसात आएगी, वातावरण में नमी होगी, और दूसरे जो रूप है उसका गिरना, ओलों को गिरना और बाकी जो चीज़ें हम लोग सर्दियों में देखते हैं, जिस किसी भी रूप में पानी जब जमीन में आता है उन सब को मिलाकर हम एक शब्द यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन, वर्षण, किसी भी रूप में पानी का आना। और वो सारी की सारी जो पानी किसी भी रूप में आ रहा है, अधिक रूप में आ रहा है, कम रूप में आ रहा है, वो बिल्कुल पौधे के लिए फायदेमंद होता है। तो पहली चीज तो हो गई आपकी पानी की, दूसरी चीज लाइट के बारे में, तीसरी चीज टेम्परेचर के बारे में, चौथी चीज जो हवा चल रही है उसके आगे हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। इन सब के अलावा क्या हम इस क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर क्या एडेफिक फैक्टर को अलग कर सकते हैं? एडेफिक फैक्टर का मतलब होता है मिट्टी के कारण, जहाँ पर प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है, क्या उस मिट्टी के बिना वो प्लांट सर्वाइव कर सकता है? क्या अपने आप को खड़ा रख सकता है? निश्चित रूप से वो एंकर है, वहाँ पर खड़ा रह रहा है, लेकिन पानी जब जमीन से आ रहा है उसके साथ कितने सारे मिनरल्स आते हैं, और उन मिनरल्स के बिना प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो डियर फ्रेंड्स, तीन भागों में हमने इसको डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, और तीनों को मिलाकर हमने जो एक शब्द यूज किया है वो शब्द था हमारा ये एबायोटिक, जिसको हम अजैविक, जिसको हम नॉन लिविंग का नाम दे रहे हैं। देखिए तीनों की तीनों चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या इनके बिना सर्वाइव हो सकता है? भले वो मिनरल्स हो, भले वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो, इनके बिना सर्वाइवल है वो हमारा संभव है, वो नहीं हो सकता है। जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा बनती रहती है, और धीरे धीरे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये सब चीज़ें और बनती रहती है और वो प्लांट के अंदर आके स्थिर होते सकती है, और प्लांट भी उसको अपने लिए भी यूज करता है और वो हमारे लिए भी काम देता है, और उसी के ऊपर हमारा सर्वाइवल है वो संभव है। इसके साथ ही आपका जो पहला पॉइंट था जिसको एबायोटिक का नाम दिया है वो कंप्लीट हो गया है, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा बायोटिक का, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेने का प्रयास करेंगे। तो वापस से मैं दोहरा देता हूँ, इकोसिस्टम की जो परिभाषा थी हमारा, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमने दो नाम लिए, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिक मिनरल्स। पढ़ने के लिए हमने कहा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर को हमने दो भागों में बांटा है, एबायोटिक एंड बायोटिक, और आज हमने एबायोटिक की बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।